हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली लाइफ विद सरोज। डेली लाइफ विद सरोज में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही खूबसूरत और प्यारा जैन गार्डन, घर में बनाई हूँ वही आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने एक पुराना टब लिया है जो बहुत ही फैड भी हो गया था इसका कलर, और इसमें एक साइड से क्रेक आ गया था और कोई भी यूज़ नहीं कर पाती थी, इसमें ये पड़ा हुआ था। तो इसी में मैंने अपना जैन गार्डन छोटा सा बनाया है। तो सबसे पहले इसको आप लीजिए और बेस अगर उसका वाइट देना है, अगर आपका डार्क है तो वाइट दे सकते हैं, लेकिन मैंने देने की कोशिश की लेकिन फिर लाइट फेड होने के कारण मैंने फिर जो भी जो कन्फर्म कलर था वही चढ़ाया मैंने इस पर। तो ये मैंने ग्रीन कलर इस पर लगाया, अच्छा लग रहा था, वाइट कलर उतना सूट नहीं कर रहा था इस पर, तो ये कलर मैंने इसमें लगा। और जब भी लगाया इसे मैंने स्पंज की सहायता से लगाया है ताकि कलर अच्छे से इसमें सेट हो जाए। और देखिए मैंने ये ले लिया है, पहले अंदर की ओर से पेंट कीजिए, फिर बाहर तरफ से, और फिर बॉर्डर ऊपर में। उसे मिट्टी से मैंने भर लिया, और ये जो मैंने उसमें फ्लावर्स जो उसमें डालने हैं वो सब मैंने ये देखिए नर्सरी से जाकर लेकर आई थी, और इन्हीं सबको मैं उसमें डालूंगी। ये छोटा सा हाउस बनाया है मैंने, लेकिन उतना अच्छा नहीं बना है, बॉटल से बनाने की कोशिश की है, लेकिन बाद में मैं इसे अच्छा बनाऊँगी। और फिर और देखिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं चलिए बनाना। उसके लिए मैंने पहले सबसे पहले हाउस को वहाँ सेट करने के लिए एक छोटा सा ऐसी टाइल्स का टुकड़ा रख के और उसके ऊपर हाउस को रखा है, और उसे ही रख के फिर जमा के। देखिए ये मैंने एक छोटा सा उसमें तालाब बनाने के लिए, स्विमिंग पूल बोलिए, घर के पास जो स्विमिंग पूल होता है उसके लिए मैंने एक छोटा सा ऐसी डब्बा लिया है, उसे भी स्काई कलर से अच्छा पेंट करके, और जहाँ भी लगाना चाहें तो उसे इस तरह से बनाना चाहें तो इस तरह से अपना सेट कर सकते हैं। मैंने उसको यहाँ पे सेट किया था, ये देखिए पूरा सेट करने के बाद ये गार्डन ऐसा दिख रहा है। साइड में मैंने ये लगाया है, थोड़ा सा एक छोटा सा एलोवेरा का पौधा भी लगाया मैंने साइड में, और जो मैंने नर्सरी से पौधे लाए उसे सेट करके चारों तरफ से लगा लिया है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रही है, लो फूल तो प्यारे लग रहे हैं एकदम पिंक कलर के। और इसके घेरने के लिए मैंने ये इसका आइसक्रीम स्टिक का यूज़ किया है, इसे धागे से बांध के और पेंट कर लिया वाइट से, वाइट कलर से, और उसे लगाया है देखिए। और बीच में ये मैंने रास्ता बनाया है उसे जाने के लिए घर के पास, और कंक्रीट के एक टुकड़े थे जो अवेलेबल थे मेरे पास वही मैंने लगाया है यहाँ पे, और इसे सजाया है। ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, ये देखिए इधर से इस साइड से भी देखिए लग रहा है कि जैसे तो वाकई में एकदम गार्डन में हम घूम रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ये। तो गाइज़ अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और इसके आगे जो भी मैं बनाऊँगी आप लोगों के साथ फिर शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।